नमस्कार छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह हिंदी लोक भारती से आज आपको पाठ दूसरा लक्ष्मी का अध्यापन कराने जा रही हूँ। लक्ष्मी, यह लक्ष्मी जो पाठ है ये कविता, यह गाय एक है उसका नाम लक्ष्मी है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। इसके जो कहानीकार हैं श्री गुरुबचन सिंह जी, सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी का ये है। साहित्य के क्षेत्र में इनका लेखन अद्भुत है, इनकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से इनका साहित्य बहुत ही रोचक बन पड़ा है। इस कहानी के माध्यम से इन्होंने प्राणी के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी की भावना को दर्शाया है। लेखक कहना चाहते हैं कि पशु हम अनुपयोगी हो जाने पर भी उनका पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, जिस प्रकार हम अपने शिशु का पालन पोषण करते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर, तैश का अर्थ है गुस्से में आकर, लक्ष्मी की पीठ पर चार डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी, जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती थी, फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर दो चार दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान वह स्थान है जहाँ पर गाय बैल को रखा जाता है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, सिहरन यानी कपकपी। जब हम ठंडी से हम घबरा जाते हैं और ठंडी के कारण जो हमारे रोएं खड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठती है। यहाँ पर देखो, अक्सर होता है जैसे आपके माता पिता ने आपको गुस्से में आकर डांट दिया, मार दिया आपकी गलती पे, तो उसके बाद वो आपको मनाते। गलती भले आपकी है, लेकिन आपके माता पिता का प्यार होता है कि आपको मनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गाय जो है वो लक्ष्मी मुख है, वो बोल नहीं सकती है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़कर करामत अली उसकी भावनाओं को समझ सकता है। अब उसने दूध नहीं दिया, इस वजह से परेशान होकर उनके बेटे ने उसे डंडे से मारा। ये बात जब उन्होंने सुनी तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। जैसे रहमान उनका लड़का है, लक्ष्मी भी उनके लिए अपने एक पुत्री के समान है, और उनके घाव को देखकर उसे बड़ी ही तकलीफ़ हुई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, उसकी बीबी रमजानी बोली। लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन एक प्रकार की दवा होती है जिसमें तेल मिलाकर लगाया जाता है, तो जो ज़ख्म होता है वो जल्दी भर जाता है। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो इसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। यहाँ पर वो कहता है, भले उसने दूध नहीं दिया तो इसके लिए क्या उसे लाठियों से मारा जाएगा। रहमान से गलती हो गई, इसे वह कबूलता है। कबूलना का अर्थ होता है स्वीकार करना। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था ये तेरा आखिरी बरस है। अब यहाँ पर रहमान की गलती उसे पता है करामत अली को, लेकिन फिर भी लक्ष्मी को समझाने के लिए वो बोल रहा है कि तू भी बुढ़ी हो गई है, तू अब पिछले साल ही डॉक्टर ने कह दिया था कि तेरा आखिरी बरस है। ये उसे सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, या अपने बेटे की गलती को पर्दा डालने के लिए, किसी तरह से ये तसल्ली देने के लिए उसे बता रहा है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। आप लोगों को पहले प्रश्न आता था और आपको उत्तर लिखना होता था,
अब आप लोगों को कृति करने के लिए आती है और उसमें प्रश्न पूछा होता है और चौखट में उत्तर लिखने होते हैं। अब इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में कि ज्ञान सिंह और करामत अली के संबंधों के बारे में, जैसे वे क्या थे, वे एक दूसरे के पड़ोसी थे, वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। मवेशी का अर्थ होता है जो कृषि कार्य में उपयुक्त होती है, दुधारी पशु जैसे गाय भैंस। और उसने जर्सी का अर्थ होता है जो गाय होती है 6 महीने या जब तक शिशु दूध पीता है तब तक माँ को दूध होता है। यहाँ जैसे गाय का बच्चा जब तक दूध पीता है उसे दूध होता है, लेकिन जो जर्सी गाय होती है वो साल भर दूध देती है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी जो थी, अधेड़ उम्र जैसे अभी 100 में से 50 वर्ष हो गए तो ऐसे अधेड़ उम्र हो गई लक्ष्मी थी। वह इतना दूध दे देती कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध जो बच जाता था वो गली के कुछ घरों में चला जाता, जिससे उसके खाने का चारा आ जाता था। यहाँ पर दर्रा का अर्थ होता है जानवरों के खाने में जो होता है मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े होते हैं। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियां अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो तुम्हें इसे स्वीकार कर लोगे? मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज्ञान सिंह ने बड़े ही विश्वास के साथ करामत अली को गाय सौंपी थी। अब उसकी भी जिम्मेदारी थी कि उस गाय की देखभाल जैसे ज्ञान सिंह करता था करामत अली भी उसी प्रकार से करे, अतः वो गाय पर विशेष ध्यान देता था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो या मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। अब यहाँ पर देखो लक्ष्मी की भी नाराज़गी है, वो मार खाई है उसके बेटे रहमान से, तो वो कहती है अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ, पहले तो दूध देती थी जिससे तुम्हारा घर चलता था और पड़ोसियों में बेच के कुछ पैसे जमा हो जाते थे जिससे मेरा चारा पानी आता था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो तुम मुझे बेच सकते हो या मुझे आज़ाद कर दो, मैं कहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूटे से बात कर इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि देखो अगर हम जैसे मानव होते तो अपने खाने पीने की व्यवस्था कोई भी कार्य व्यवसाय करके कर सकते हैं, लेकिन ये जानवर है, वो कोई कार्य व्यवसाय करके अपने खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकती है। इसीलिए करामत अली कहते हैं कि जानवर है, वो खूंटे से बंधा रहेगा तो हमें इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, हम इसे भूखे नहीं रख सकते हैं। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजाने की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अब काम पे जाते समय रमजानी की बात सोचकर करामत अली चिंता में आ गए कि ये बात तो उसने सही कही है, जब वो दूध नहीं देगी हमारे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं रहेगा, हम उसे कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे? यह सोचकर वो काम पर जा रहा था। उसके साथ नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा,
करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। खैरियत तो है? खैरियत का मतलब है कुशलता। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका, हौका मतलब बड़ी सांस लेते हुए, ये हौका भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर काम में जुट गया। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह खुशी को लक्ष्मी को दोहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया गया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं देगी तो क्या उसे भूखों रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। यहाँ पर पुआल का अर्थ है जो धान होते हैं उसके सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल लिए गए हों। खली, तेल निकाल ले जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसको जानवर खाते हैं वो। सानी का अर्थ होता है चारा, खली और सब मिलाकर पशुओं के लिए जो खाना तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर करामत अली कहता है, अगर लक्ष्मी यही दूध देती तो तुम दोनों माँ बेटे मिलकर उसे अवश्य खाना देते, लेकिन वो दूध नहीं दे रही है, इसके लिए तुम लोगों ने उसे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। कोई भी देखो जानवर जब दूध देने वाली जैसे गाय और भैंस है, उसे दूहने से पहले खिलाना आवश्यक होता है। यहाँ पर जैसे गाय सवेरे उठते ही उसे कुछ चारा पानी खाने के लिए दिया जाए, उसके कुछ समय बाद ही दुआ जाएगा तो ही वो दूध देती है। संध्या के समय भी यही होता है, पहले उन्हें खाने पीने के लिए अच्छे से दिया जाता है, उसके वजह से ही वो दूध देते। जब उनका पेट खाली होगा तब वो दूध कहाँ से देगी। अगर वो दूध नहीं भी देती है, जैसे हम मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से इन पशुओं को भी भोजन की आवश्यकता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। अब वो खाने के लिए तैयार होने लगी। खाने को गाय को सानी देखकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जो दवा करामत अली ने उसकी पीठ पर लगाया था जहाँ पर रहमान ने मारा था, वहाँ का जो ज़ख्म था वो कुछ हल्का हो गया था। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ। लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 के नोट निकाल कर उसे थमाते हुए, इससे लक्ष्मी के लिए राशन ले आओ। अब यहाँ पे स्थिति रमजानी भी क्या करे, वो भी परेशान है क्योंकि घर में उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लक्ष्मी के खाने पीने की व्यवस्था कर सके, वो भी बहुत ही परेशान है। उसने संदूकची में 20 रुपए रखे थे वो लक्ष्मी के खाने के लिए दे दिए, आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, झाड़ झंकार और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गली में रस्सी थी, एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है। अब इन लोगों ने उसे छोड़ दिया बाहर कि वो जाकर कुछ खा पी कर अपना पेट भर ले। लेकिन लक्ष्मी भी क्या करती, वो अगर बाहर गई, उसने जो वहाँ पर दूसरों का गाय का खाना था वह खाने लगी, तो व्यक्ति उसे पकड़ कर ले के आया कि आया आपकी गाय हमारे गाय का पूरा खाना खा गई है। रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुँचा दें। काजी हाउस वह स्थान है जहाँ पर सरकारी मवेशियों को रखा जाता है जो कि लावारिस रहते हैं। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बात सुन रही थी। दोपहर के बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली,
मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब वो भी परेशान है, क्या करे, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खाने के लिए, उसको खिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। फिर वो क्या करे, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह भी अनुभव कर रहा था कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है। खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। पहले तो उसे अच्छे खाने खिलाए जाते थे, उसमें सब डालकर उसे दिया जाता था, लेकिन जब अब घर में ही कुछ खाने के लिए नहीं बचा है और स्थिति यह है कि उसने दूध देना भी बंद कर दिया है। करामत अली को यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी क्या करे, उसकी मजबूरी थी, वो भी विवश था। फिर उसके सामने सूखा खाना ही, जो सूखा चारा था वही डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आँखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उसने कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। उसने जवाब में कहा, हाँ बूढ़ी गाय है, दूध उध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे ले जाकर क्या करोगे, मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। अब यहाँ पर गाय वो ले जाकर दूसरे को बेच देगा, अर्थात यहाँ पर वो गाय की सेवा करने के लिए उसे नहीं ले जाने आया है, वो गाय को लाया है उसे ले जाकर कहीं और पर बेच देगा, ताकि वो उसके वहाँ पर उसको गाय को बेच दिया जाएगा और उससे कुछ पैसे निकल आएंगे। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा, जहाँ वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने मित्र ज्ञान सिंह से वादा किया था कि जिस तरह से वो अपने पशु लक्ष्मी की परवाह करता है, चिंता करता है, देखभाल करता है, उसी प्रकार वो करेगा। जब उसे ये पता चला कि ऐसी जगह गाय को बेचा जा रहा है जहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी चिंता में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं और चिंता के मारे रात को सोने ऐसे ही बगैर खाए पिए चले गया। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा रहा। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत का अर्थ होता है झगड़ा, लेकिन यहाँ पर अर्थ है विरोध। लक्ष्मी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी पैर बढ़ा और खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। ये बहुत ही तकलीफ दे था, जिसे वो अपने पुत्र के समान, जैसे करामत अली ने अपने बेटे रहमान को पाला था, उसके लिए भी लक्ष्मी एक संतान की तरह थी जिसकी वो परवरिश कर रहा था। लेकिन उसकी लाचारी थी, उसके पास पैसे नहीं थे उसे खिलाने के लिए, वो विवश था और ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अपने मित्र को जो वचन दिया था उसे वो निभाने में असमर्थ था।
उसकी यह दुर्दशा लक्ष्मी की देखी नहीं जा रही थी। इसी दुर्दशा के कारण, ताकि वो खाए पिए अच्छे से रहे, वो गौशाला में उसे छोड़ने के लिए विवश था। लक्ष्मी भी उसकी लाचारी समझकर उसके पीछे पीछे बिना किसी विरोध के चली जा रही थी। वह भी ये जानती थी कि वो मजबूर है, वो उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर सकता, उसे खिला पिला नहीं सकता है, अतः वह चुपचाप उसके पीछे चली जा रही थी कि कुछ न कहे। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ शब्द दिए है, वह है आप लोग को एक, पहले मैंने आप लोग कहा था 200 पेज की नोटबुक बनाइए, उसमें जो शब्द है ये आपको लिखना है। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगी, वो आप लोग उसी में लिखोगे। जैसे बथान, ये मैंने आप लोगों को लेसन पढ़ाते हुए भी बताया है ये सारे शब्दों के अर्थ। यहाँ पे मुहावरे दिए हैं, मुँह मारना यानी जल्दी जल्दी खाना, गला भराना यानी आवाज़ भारी हो जाना। जब हम रोते हैं तो अक्सर उस समय हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज़ किस तरह से बड़ी हो जाती है। कोरा जवाब देना, सीधे सीधे साफ मना कर देना। तैश में आना, गुस्से में आना या आवेश में आना, ठीक है। ये सारे शब्दों के अर्थ और ये मुहावरा आपको नोटबुक में लिखना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर के PDF भेजूंगी, वो आंसर भी आप लोगों को उस नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।